सो हेलो फ्रेंड्स, तो चैप्टर 6 में ये जो दूसरा पार्ट है इसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक्चुअली ये पार्ट को मैंने अलग इसीलिए रखा है बेसिकली कि यहाँ पे हम दो वेरी यू नो थोड़ा इंटरेस्टिंग है साउथ सी बबल और एक दूसरा एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को लेके हमने ये दो केस स्टडी जो है वो बुक के अंदर दी हुई है। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि बबल एक जब बबल आता है कोई न्यू यू नो न्यूएस्ट ऑफ द न्यू जिसको हम आईपीओ ये सब कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे इन्वेस्टर का जो एक रैशनैलिटी होता है ना वो कैसे जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका आज हम एक थोड़ा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो सीरीज है वो अभी तक अच्छी लग रही है, ठीक है। अगर अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। जब भी यू नो सब्सक्राइबर का काउंट बढ़ता है ना तो हमारा मोटिवेशन जो है वो थोड़ा बढ़ता है। तो प्लीज आप जितना भी अगर आपको लगे, ठीक है, तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कंटेंट अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। तो आइए चलते हैं कि हम सबसे पहले हम समझते हैं कि एक साउथ सी बबल करके एक हुआ था। अब बहुत सारी हमने नाम सुना है, ठीक है, तो आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि जब यू नो हमें ये लगता है कि जनरली कि जैसे जैसे सोसाइटी का जो एक सिविलाइजेशन, ठीक है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो जो इंसान है वो समझदार होता है, ठीक है, ये हमारा एक बिलीफ है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हम समझ रहे हैं कि एटलीस्ट फ्रॉम द फाइनेंस परस्पेक्टिव कि अभी का जो इंसान है, अभी का जो ह्यूमन काइंड है, ठीक है, वो फाइनेंशियली बेटर समझता है उससे यू नो 300-400 साल पहले जो लोग थे, ठीक है, उससे भी ज्यादा अपने फाइनेंस को समझता है, अपने इमोशंस को समझता है, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे दो केस स्टडीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक केस स्टडी ऐसी है साउथ सी बबल की जो 18th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है, और दूसरा है जो 20th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताना कि मतलब ऐसा जेरेमी सिगल जी ने खुद ने भी बुक में बोला हुआ है कि आप खुद जज करें, ठीक है, कि इंसान जो है वो कब फाइनेंशियली अच्छे और साउंड डिसीजन लेता है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे सीन हुआ था पूरा। तो स्टार्टिंग विथ साउथ सी बबल, ठीक है, तो साउथ सी बबल एक्चुअली था क्या? तो ये कंपनी थी, ठीक है, साउथ सी करके कि जहाँ पे 711 में एक अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, तो उस टाइम पे इनको एक मोनोपोली राइट दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कि वो लोग जो है वो साउथ अमेरिका में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअली उस टाइम पे ये बिलीफ था कि वो जो लैंड है, ठीक है, वहां पे गोल्ड एंड सिल्वर का माइंस है, ठीक है, मतलब ऐसा लोगों को मतलब लगा। तो उस टाइम पे ये कंपनी जो फॉर्म हुई थी और उसके बाद इनको एक मोनोपोली, मतलब इसके अलावा, इस कंपनी के अलावा और कोई भी कंपनी जो है वो इसमें ट्रेड नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसके साथ उन्होंने ये परमिशन ग्रांट किया इस कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को। तो उसकी वजह से हुआ क्या, ठीक है, मतलब ये कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट, मतलब उस टाइम पे तो जो भी पेपर ट्रेडिंग वगैरह होता था, ठीक है, तो वैसे वो लिस्ट हुई, ठीक है। और एक्चुअली माना ये जा रहा था कि जो ब्रिटिश कंपनी ये जो थी, ये जो भी ये ब्रिटिश कंपनी जो थी उसके पास जो माइनिंग टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, वो बेस्ट इन द वर्ल्ड थी। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं थी कि जो गोल्ड एंड सिल्वर को इतनी एफिशिएंटली माइन कर सके, ठीक है। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुआ इस कंपनी को लेके। वो एक्सपेक्टेशन ये था कि ये जो कंपनी है, ठीक है, वो जाएगी यहाँ से शिप्स वगैरह लेके जाएगी, ठीक है, और वहां से माइन करेगी गोल्ड एंड सिल्वर को, और वो जो पूरी की पूरी जो जितनी भी शिप्स वगैरह है, ठीक है, उसमें गोल्ड एंड सिल्वर भर भर के, सोना चांदी भर भर के वो लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसी एक एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्टर्स को लगा कि हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, कि जहाँ पे हमें सोना चांदी जो है ये कंपनी जो है वो लाएगी, अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर देगी, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुआ साउथ सी को लेके। फिर उनको मतलब जब भी ये चीज हुआ, ठीक है, तो एक मार्केट में, मतलब ब्रिटिश का जो यूके ब्रिटेन का जो है स्टॉक मार्केट, वहां पे एक यू नो फ्रेंजी हो गया, यूफोरिया हो गया इस पर्टिकुलर कंपनी को लेके। तो इस सिचुएशन का बेनिफिट उठाने के लिए, मतलब आप समझो मेरा वर्ड्स को थोड़ा ध्यान रखना, कि इस सिचुएशन का बेनिफिट लेने के लिए, बेनिफिट मतलब कि जितने भी ह्यूमंस सॉरी इन्वेस्टर्स जो थे, ठीक है, उन जिसको साउथ सी में इन्वेस्ट करना था, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन वो स्टॉक को कैच नहीं कर पाए और वो जो स्टॉक था वो सडनली हाई चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया। तो जनरली ऊपर जनरली लोग इन्वेस्टर्स जो है वो बाय नहीं करते। तो इसकी वजह से
इस सिचुएशन का बेनिफिट, मतलब जो जो टॉप पे बैठे थे ठीक है, उनको लगा कि अभी मार्केट में स्टॉक को लेके एक अजीब सा यूफोरिया चल रहा है ठीक है, तो क्यों ना हम इसका बेनिफिट उठाएं और मार्केट से और भी ज्यादा हम पैसा उठाए ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर इस ब्रिटिश कंपनी के साथ होने लगे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ना ऐसी ऐसे हम यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट 1 or 2 minutes में हम वो देखेंगे कि ऐसे ऐसे ज्वाइंट वेंचर हुए पर्टिकुलरली साउथ सी के, मतलब ये जो ब्रिटिश कंपनी जो थी ठीक है उसके अराउंड, मतलब वो उसका जो बिजनेस था उसके अराउंड बहुत सारे ऐसे बिजनेस इसने ज्वाइंट वेंचर कर लिया कि जो कुछ ना कुछ करके ये जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको कुछ ना कुछ करके वहां पे हेल्प करेगी ठीक है। तो सबको लगा कि ये भी सेम चीज है और हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है शॉर्ट टर्म में ठीक है। तो मतलब एक ग्रीड का अगेन एक फैक्टर आ गया। तो लेट्स सी कि आगे क्या हुआ ठीक है। मतलब एक केस दिया हुआ है ठीक है कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते ऐसा केस है, मतलब ये केस ऐसा है कि जहाँ पे ये जो ज्वाइंट वेंचर हुआ तो उसमें जब भी वो यू नो ड्राफ्ट पेपर ड्राफ्ट हुआ, मतलब कि मतलब वो जैसे हम यहाँ पे वो प्रोस्पेक्टस होता है कि जैसे आईपीओ आता है उससे पहले की बात है ठीक है, तो उस तरह से उस टाइम पे तो इतना सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस नहीं था, तो जो भी एक यू नो एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट टाइप जो था उसमें क्या लिखा था आप हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें लिखा था कि भाई उसका जो बिजनेस है ठीक है, ये जो कंपनी का जो आईपीओ या कुछ मतलब जो भी लिस्टिंग के पहले जो भी है तो उसका जो आईपीओ है उसका बिजनेस क्या है। तो जब इन्वेस्टर्स ने पूछा कि बिजनेस क्या है तो उन लोगों ने बोला कि भाई ये जो इन्वेस्टिंग सॉरी ये जो बिजनेस है उसको सीक्रेट रखा जाएगा ठीक है, इवन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स को भी पता नहीं होगा कि भाई इसमें इन्वेस्ट सॉरी इसमें ये बिजनेस जो ये जो कंपनी है भले ही वो ज्वाइंट वेंचर है बट वो कंपनी करती क्या है वो इन्वेस्टर्स को भी नहीं पता चलेगा ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन सर्टेन कॉन्फिडेंशियल रीजन ठीक है। बट फिर भी मतलब इन्वेस्टर्स को पता नहीं है कि ये बिजनेस क्या करने वाला है क्या करता है ठीक है, कुछ भी नहीं पता है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट अब देखो जब डे वन पे जब वो लिस्ट हुआ ठीक है तो वहां पे तो 1000 शेयर जो थे वो उस कंपनी के बिक गए अराउंड 2 pounds ठीक है, मतलब 2000 pounds उन्होंने कलेक्ट कर लिए डे वन में ही, उन्होंने इतने शेयर्स बेच के। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई 2000 pounds क्या है, बट ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, मतलब 1711 मतलब आज से ऑलमोस्ट 300 साल पहले की बात है, 400 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे बहुत ही बड़ी अमाउंट थी ये ठीक है। तो ये क्या हुआ कि डे वन पे उन्होंने अराउंड 2000 pounds कलेक्ट कर लिए ठीक है शाम तक, और जैसे ही दिन जो था वो खत्म हुआ ठीक है, वो जो भी बंदा वहां पे बैठा था वो कलेक्ट करने के लिए उसने शेयर्स बांट दिए, 2000 pounds कलेक्ट कर लिए ठीक है, और दूसरे ही दिन वो वहां से रफो चक्कर हो गया ठीक है। मतलब वो फिर कभी दिखाई नहीं, ना ही उस कंपनी का नाम सुनने को मिला, कुछ भी नहीं ठीक है। तो ये वाला सीन था, मतलब साउथ सी बबल, ये जो हम जब सुनते हैं ना तो हमें समझना चाहिए कि भाई यूफोरिया कहाँ तक किस हद तक जा सकता है, मतलब किस हद तक वो इन्वेस्टर्स को फूल बना सकता है, तो ये हमें सोचना है ठीक है। इसीलिए साउथ सी बबल जो है वो एक यू नो स्पेशल प्लेस रखता है, मतलब व्हेन इट कम्स टू बबल एंड मेनियास। अभी दूसरा अगर हम डिस्कस करते हैं कि जो हुआ था टेक बबल, मतलब ये अराउंड 2000 के, मतलब जब वो ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वेयर ऑन द हायर साइड ठीक है, तो तब की बात है ठीक है। तो तब एक कंपनी आई थी netj.com करके ठीक है, अराउंड मार्च 2000 में उसका आईपीओ आया था और 12 मिलियन इतने शेयर्स थे और पर शेयर उसकी प्राइस जो उस टाइम पे ट्रेड हो रही थी वो ही $2 पर शेयर ठीक है, मतलब अराउंड $24 million की उसकी वैल्यूएशन उस टाइम पे हो रही थी। अब 24 million की वैल्यूएशन जब हो रही है तो हम अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो ये जो हम बात कर रहे हैं वो 2000 की बात कर रहे हैं, 2000 ईयर के आसपास ठीक है। तो उस टाइम पे भी 24 million वॉज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। तो जब 24 million किसी कंपनी की वैल्यूएशन हो रही है ठीक है, तो हम सब भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी कुछ ना कुछ सेल्स करती होगी ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाती होगी, कुछ तो करती ही होगी, उसका कोई ऑपरेशन होगा ठीक है। तो आइए जानते हैं कि कंपनी एक्जैक्टली करती क्या थी। ये netj.com थी, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन जो है वो कंपनी के जो SEC मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो वहां का है ठीक है यूएसए में, उसमें जो फाइलिंग देनी पड़ती है उसमें ये दिया हुआ था, उसकी आईपीओ के फाइलिंग पेपर में ये साफ साफ लिखा था। चलो मैं पढ़ के भी दिखाता हूँ कि द कंपनी इज नॉट करंटली एंगेज्ड इन एनी मटेरियल ऑपरेशन और हैड एनी रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस सिंस इंसेप्शन।
मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कंपनी जब से चालू हुई है तब से उसने एक रुपए का भी माल नहीं बेचा है, ठीक है, उसके पास कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेके, ये उनकी फाइलिंग में साफ साफ लिखा हुआ था, ठीक है, 99 में जब उसका आईपीओ आया तब की बात है। रेवेन्यू $0, जो बिजनेस प्लान के साथ कंपनी जो स्टार्ट करने वाली थी, ठीक है, वो स्क्रैप हो गया था, मतलब वो कैंसिल हो गया था। दूसरा, तीसरा पॉइंट कि कंपनी के ऊपर ऑलरेडी, मतलब कंपनी की जो बैलेंस शीट थी उसमें 132,000 जितने का लॉस दिखा रहा था। चौथा पॉइंट कि उसके कोई भी प्रोस्पेक्ट नहीं है कि वो कहीं से भी रेवेन्यू एक रुपए का, एक डॉलर का भी जनरेट करेगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो थी वो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी हुई थी, आप समझ लेना, ठीक है। एक ही एक्सपेक्टेशन था, एक ही, कि ये कंपनी पे तो मतलब .com वाली कंपनी है, ठीक है, तो किसी ना किसी कंपनी के साथ या तो मर्ज हो जाएगी या किसी ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लेगी कि जहां से वो रेवेन्यू जनरेट करेगी, बस यही एक एक्सपेक्टेशन था, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी कोई ऑपरेशन नहीं था, जीरो जीरो इन रेवेन्यू, सब कुछ ऊपर से कंपनी के पास लॉस है, ठीक है। ये चीज भी लिखी है अगेन SEC के, ये ही ड्राफ्ट जो था पेपर, उसमें ही ये चीज लिखा था कि मैनेजमेंट विल डिवोट इनसिग्निफिकेंट टाइम टू द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, द मैनेजमेंट इज नॉट डेस्परेट और ओवरली इक्वल टू फाइंड अ बिजनेस पार्टनर, इनसिग्निफिकेंट टाइम वो डिवोट करेंगे, मतलब कुछ भी अगर टाइम मिला तो करेंगे, बाकी उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, ये बुक के अंदर मैंने मेंशन किया, मैंने देखा है, मैंने पर्सनली जाके तो नहीं देखा है, बट बुक के अंदर ये मेंशन है, तो मैं जेरेमी सिगल जी पे थोड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि एक बिजनेस पार्टनर अनाउंस हुआ नेट जे की तरफ से, और शेयर का जो प्राइस था वो $7.44 तक पहुंच गया, ठीक है। बट वो जो मर्जर, आई थिंक वो बिजनेस पार्टनर या मर्जर ही था, तो वो जब अनाउंस हुआ, बट वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट में ही रह गया और उसका आगे कुछ भी मटेरियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। तो वो प्राइस जो था शेयर का वो वापस से $3 पे आ गया। उसके बाद कंपनी ने दो और मर्जर्स जो है वो अनाउंस किए, ठीक है, बट वापस से कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। सब बातें कर रहे हैं कि ये हो रहा है इस कंपनी के साथ, ये हो रहा है, मर्ज हो रहा है, रिवर्स मर्जर, रिवर्स एक्विजिशन, कुछ भी, बट कुछ भी नहीं हुआ। और फाइनली जब बबल बस्ट हुआ, ठीक है, स्टॉक मार्केट का, ये जो 2000 में इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी वाला, तो स्टॉक का जो प्राइस था वो 99.8% क्रैश हो गया, सोचो, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट केस स्टडीज हमने यहाँ पे प्रेजेंट करी है, एक है जो 300 साल पुरानी है, साउथ सी बबल वाला, और दूसरा है ये netj.com का, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये 300 साल में हम फाइनेंशियली सेवी हो गए, ठीक है, हमें सबको पता है कि भाई हमारे इमोशन के साथ ये लोग कैसे खिलवाड़ करते हैं, ठीक है, तो हम बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखना है कि ह्यूमन इमोशन जो है वो इजी होता है थोड़ा, मतलब जिनको भी पता है ना, जो साइकोलॉजी अच्छे से समझते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, फिर VCs हैं, जैसे हमने प्रीवियसली वीडियोस में हमने देखा हुआ, ठीक है, तो ये लोग हमारे इमोशंस के साथ ऐसे खेलेंगे, ठीक है, मतलब आपके जो फियर एंड ग्रीड वाला जो इमोशन है, ठीक है, वहां भी वो ऐसे खेलेंगे कि आपको वो ऑलमोस्ट मजबूर कर देंगे कि आप वो स्टॉक परचेस करो, ठीक है। बट हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, वैल्यूएशन चेक करना है, कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स देखने हैं, फंडामेंटल्स देखने हैं, उसके बाद ही हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने का तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना खुद भी मैं करता हूँ, ठीक है, बट आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको जो उसके फंडामेंटल से वो देखने के बाद ही आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यह स्टॉक जो है वो बहुत ही आगे चला जाएगा, या लेट से कि मैं उस पर ये स्टॉक का जो प्राइस है उसका जो रैली होगा तो वो मैं मिस आउट कर दूंगा, तो आपको जरा भी घबराना नहीं। आपको एक एडम ग्रांट करके एक ऑथर है US में, आई थिंक वो वॉर्टन के प्रोफेसर है, ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक टर्म कॉइन किया है, मतलब जोमो, जिसको हम बोलते हैं जॉय ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। उनकी बहुत सारी बुक्स है, वो भी आप पढ़ सकते हो, ओरिजिनल्स है, थिंक अगेन करके बुक है, गिव एंड टेक करके बुक है, ठीक है। ये तीनों बुक्स उनकी जो है वो बहुत ही सही है, आपको एक इनसाइटफुल डिस्कशन उस पर मिलेगा, ठीक है। तो हमें भी बस वही है कि जॉय ऑफ मिसिंग आउट करना है, मतलब अगर हमें लगे ना कि ये शेयर जो है वो ऊपर जा रहा है और मैं इसको मिस कर गया, तो हमें घबराना नहीं है। अगर हमें लगे ना कि वैल्यूएशन जो है वो सही नहीं है, तो हमें परचेस नहीं करना है, हमें उससे दूर ही रहना है, ठीक है।
एक नहीं तो दूसरा है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में जैसे वॉरेन बफेट हमेशा बोलते हैं कि ये वही है कि अगर एक बस अगर आपसे छूट गई है तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी छूट गई तो तीसरी आ जाएगी। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें एक ही स्टॉक से रिटर्न कमाना है, ठीक है। तो आईपीओ से दूर रहे, वैल्यूएशन चेक करें, फंडामेंटल्स चेक करें, उसके बाद ही आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसको स्टॉक मार्केट में लगाएं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर दिस चैप्टर। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।